आप सबका स्वागत है मेरे YouTube क्लासेस पर। मैं आपका दोस्त पंकज कुमार गुप्ता। आज इस क्लास के माध्यम से हम अपर प्राइमरी सेक्शन यानी 7th-8th में जो रेशियो और प्रोपोर्शन है, ये बड़े बच्चों के लिए भी हेल्पफुल है। जैसे 9th-10th बहुत से बच्चे चले जाते हैं लेकिन रेशियो प्रोपोर्शन नहीं आता है, इसी के बारे में जानेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। रेशियो होता क्या है? रेशियो मतलब होता है दो सेम टाइप के चीज़ों के बीच में क्या रिलेशन है। देखो कैसे, अगर कोई बोल देता है 5 मीटर और यहाँ पर बोल देता है 15 मीटर, दूसरा पहला क्वेश्चन ये बोल दिया। दूसरा देखो, अगर कोई बोल देता है 6 मीटर और यहाँ पर बोल देता है 5 kg, तीसरा देखो 8 किमी और यहाँ पर बोल देता है 600 मीटर। एक और देख लो थोड़ा, यहाँ पर बोल देता है 20 रुपये, यहाँ बोल देता है 6 लाख, ठीक है। अब इनके बीच में रिलेशन क्या है? देखो, रेशियो कब एराइज होगा? जब दोनों क्वांटिटी सेम टाइप की हों। रिलेशन तो यहाँ पर देखो मीटर है, यहाँ पर 150 मीटर है, तो यहाँ पर भी मीटर है, यहाँ पर भी मीटर है, यानी सेम नेचर है, दोनों मीटर वाली चीज़ें हैं, तो इनके बीच में रेशियो आप बना सकते हो। रेशियो का मतलब एक फ्रैक्शन है, जैसे आप 2/3 लिखते थे ना, तो 2/3 को आप 2:3 लिख सकते हो। इसका मतलब ये होगा कि 2/3, यानी इसको कैसे सेंस करेंगे? तो देखो, तीन में से ऐसे क्या बोलते हो, तीन में से दो पार्ट है, तीन में से कितना है, दो पार्ट, तीन में से दो पार्ट है। अगर इसको सेंस करोगे तो देखो क्या होगा, अगर मान लेते हैं टोटल 5 पार्ट है, तो 5 पार्ट में से 2 ये रहा, 3 पार्ट ये रहा, बट गया अलग अलग पार्ट में, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, क्या रहा है, ये मीटर है, तो इनके बीच में रेशियो आप बना सकते हो। देखो 5 मीटर लिख देना बाय 150 मीटर, मीटर से मीटर कैंसिल, 1/30, तो हम क्या बोल सकते हैं, 1:30, यानी पहले वाला 1 पार्ट है और दूसरा वाला कितना पार्ट है, 30 पार्ट। यही मतलब होता है कि रेशियो के हेल्प से हम ये बताते हैं कि पहले वाला कितने पार्ट में, सबसे छोटा रूप है। अब देखो ये 1 और 30 अब किसी से कटेगा नहीं, सबसे छोटा, इसको आप बढ़ाते जाओगे तो बढ़ता जाएगा। अगर मैं बोल दूँ, अगर मैं इसमें क्या मल्टीप्लाई करूँ तो ये आ जाए 5/50। देखो 5/150 लाने के लिए आप 1/30 में किस, तो देखो मैं बोला कि पहले 1 था और 30 था, पहले 5 था और 150 था, मैंने 1 और 30 बना दिया। तो कैसे बना भाई, 1 में 5 से मल्टीप्लाई करो तब ना जाएगा 30 से 5 में, तो हम फिक्स नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं कि नहीं। देखो पहले क्या था, 5 था तो 150 था, मैंने इसको कटा पिटा के ये बना दिया 1/30, तो मैं किससे मल्टीप्लाई करूँगा तो 5 बनेगा, ओरिजिनल नंबर, ये ओरिजिनल वैल्यू है, यही तो ओरिजिनल वैल्यू था हमारा, ओरिजिनल वैल्यू, शुरू शुरू वाला ही वैल्यू था, ये तो रेशियो वाला टर्म है जो रेशियो हमने निकाला है, ठीक है। तो अगर आप 1 में 5 से मल्टीप्लाई करो तभी बनेगा, यहाँ पर भी 5 से मल्टीप्लाई करो तो 5 तभी आएगा, तो यानी कहने का मतलब फिक्स नंबर से मल्टीप्लाई करना है, फिक्स नंबर होना चाहिए। तो हम कह क्या सकते हैं कि रेशियो में, जैसे मान लो 1:30 आया, किसका, 5 मीटर और 150 मीटर का, हमने एक रिलेशन बनाया, इसका मतलब पहला वाला 1 पार्ट है, दूसरा वाला 30 पार्ट है, 30 पार्ट है। तो अगर मैं इसको ये बनाना है तो हम क्या करेंगे भाई, 1 में x से मल्टीप्लाई करेंगे और 30 में x से करेंगे, तभी तो ये वाला इसके बराबर होगा और ये वाला इसके बराबर होगा, बात समझिएगा, क्योंकि मैं बता भी दिया हूँ 1 से 5 जाने के लिए 5, 30 से 5 जाने के लिए 150। तो एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, अगर रेशियो है तो रेशियो में फिक्स नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तब ओरिजिनल वैल्यू आएगा। जैसे देखो इनके बीच में रेशियो हो सकता है, देखो ये केजी है, ये मीटर है, नहीं होगा, क्योंकि सेम नेचर होना चाहिए, सेम नेचर मतलब ये मीटर है तो ये भी मीटर है, ये केजी है तो ये भी क्या होना चाहिए, केजी, सेम लुक, तो इसका संबंध नहीं बन पाएगा, क्योंकि केजी अलग चीज़ है, मीटर अलग चीज़ है, मीटर डिस्टेंस के लिए होता है, केजी अमाउंट के लिए, कितना अमाउंट है, झुकते हो ना चीनी 500 ग्राम्स, तो ये अलग चीज़ है। ये देखो ये किमी है, ये मीटर है, ये पॉसिबल है, हो जाएगा, ये आप कर सकते हो, किमी और मीटर वाला कंसेप्ट सही है। देखो कैसे करते हैं, तो ये किमी है, ये मीटर है, तो देखो यहाँ पर किमी हमने लिखा, यहाँ पे हमने मीटर लिखा, तो 1 किमी में कितना होता है, 1000 मीटर। हम इसको सॉल्व कर सकते हैं क्योंकि हमें मीटर में बना सकते हैं, ये वाला 600 मीटर, इनके बीच में रेशियो बताना है, तो बस ऐसे लिख लो, सेम नेचर हो ही गया,
यानी 40 बाई थर्ड कटा दिया, तो रेशियो क्या बना 40:3। बहुत सिंपल सा है, आप समझ भी गए होंगे। देखो रेशियो का मतलब सेम टाइप के वैल्यू में, यानी सेम टाइप के नेचर में, जैसे यहाँ पर किमी है, यहाँ पर मीटर है, तो मैंने किमी को मीटर बनाया और ये मीटर ऐसा ही है, कटा दिया है 40:3। अब कोई बोलेगा ये जो रेशियो आ गया इससे मुझे ओरिजिनल में जाना है, तो तुम किससे मल्टीप्लाई करोगे तो ये बनेगा, किससे करोगे तो ये बनेगा, तो कोई एक्स नंबर होगा, एक्स मतलब कोई फिक्स वैल्यू होगा, तो इसीलिए हम रेशियो को स्प्लिट करेंगे। तो क्या हो जाएगा, देखो पहला होगा 40x = 8 किमी, बोल सकते हो ना, 3x = इतना मीटर, यहाँ पर किमी है तो किमी से मीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं, हो गया। तो ये चीज़ें याद रखिएगा, रेशियो में जब रेशियो आ जाता है तो उसमें एक फिक्स नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, वो वेरिएबल कहलाएगा एक्स या वाई, तो हमें ओरिजिनल वैल्यू मिल जाएगी। इतनी बातें समझ गए। अब देखो यहाँ पर ये किमी, ये मीटर है, ठीक है, तो इसको भी आप बना सकते हो, इसको आप मीटर में कन्वर्ट कर लीजिएगा, ये मीटर हो गया, ये रुपये है, ये लाख है, तो लाख को भी रुपये में कन्वर्ट कर सकते हो, क्योंकि एक लाख में कितने रुपये होता है, ये निकल जाएगा, ठीक है। तो रेशियो का मतलब क्या है, सेम नेचर के बीच में, ठीक है। तो आप एक क्वेश्चन आप बताइएगा होगा कि नहीं रेशियो के बीच में, ठीक है। दो यहाँ पर फिजिकल क्वांटिटीज़ है, जैसे 100 मीटर है, 5 सेंटीमीटर, 80 नाप, इनके बीच में रेशियो बताना है। तो देखो एक मीटर में कितना होता है, 100 सेंटीमीटर, ये सेंटी, ये भी सेंटी। सबसे पहला स्टेप क्या रहेगा कि हमें उनको सेम बनाना है, सेम नेचर का। और एक चीज़ है, रेशियो तभी होगा जब दोनों एक ही टाइप के हों, टाइप मतलब फिजिकल क्वांटिटी, जैसे ये लेंथ है तो लेंथ में हो, ये मीटर है, ये टाइम है तो टाइम हो, ठीक है, समझ गया ना। तो ये हो गया आपका, इनके बीच 1, 2, ठीक है, तो 2000 रेशियो वन, ये हो गया। अब आपसे बोलेगा कि मैं इसमें जाना चाहता हूँ, तो क्या करूँगा, मैं फिक्स नंबर से क्या कर दूँगा, मल्टीप्लाई कर दूँगा, फिक्स वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दूँ। तो मान लो अगर मैं 20000 में एक्स लगा देता हूँ, 1x, तो ये 20000x किसके बराबर हो जाएगा, 100 मीटर के बराबर, और ये 1x किसके बराबर हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर के बराबर, ठीक है। तो आपको ये हो गया बातें। तो एक क्वेश्चन करते हैं, बस छोटा सा रहेगा रेशियो में, ठीक है। देखिए दो चिल्ड्रेन है, उनकी एज का रेशियो ये दिया है, एज रेशियो 5:4 है, और सम ऑफ एज दिया है, सम ऑफ एज 18 ईयर्स दिया है, दोनों का एज का सम 18 ईयर्स। तो बताना है पहले वाला का एज कितना था, फर्स्ट वाले का, और सेकंड वाले का एज कितना था, ठीक है। तो देखो ये 5:4 है, तो क्या हो जाएगा, 5x, दूसरा क्या हो जाएगा, 4x। मैं बताया था ना रेशियो में एक्स छिपा रहता है, कोई वेरिएबल का मल्टीप्लाई करोगे तभी वो वैल्यू बनेगा। तो ये 5x है, ये 4x है, अगर मैं दोनों को जोड़ देता हूँ तो क्या होगा, 18 ईयर्स के बराबर होगा, समझो बात को थोड़ा, यही तो क्वेश्चन था। क्योंकि आप जान रहे हो रेशियो में कुछ वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तभी चीज़ें आएंगी, तो 18 के बराबर हो गया। यहाँ पर 9x बना है, तो x की वैल्यू निकालना है, तो 18/9, x कितना हो गया, 2, यानी हमें 5 में किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 से, तो पहले वाले का कितना आएगा, 2 × 5 = 10, दूसरे वाले का 2 × 4, समझ गए बात, 10 साल और 8 साल। तो रेशियो में हमेशा फिक्स वैल्यू से मल्टीप्लाई होगा, अगर x से इसमें हो रहा है तो x से इसमें भी होगा, तब जाके ओरिजिनल चीज़ें बनेगी। क्वेश्चन समझ गए, दो स्टूडेंट थे, 5:4, सम ऑफ एज 18, तो पहले का बताइए दूसरे का, तो हमने दोनों रेशियो को जोड़ा, बोला था कि x होगा उसमें, नहीं मालूम है किससे मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो बनेगा, जोड़ दिया, फाइनली आ गया, ठीक है। अब एक चीज़ लिखा है प्रोपोर्शन, ये बस समझ लो, ये लास्ट टॉपिक है प्रोपोर्शंस। मैंने बस इस क्लास के माध्यम से आपको रेशियो का कंसेप्ट कराया, अब थोड़ा सा और इससे अगले क्लास में बढ़िया पढ़ेंगे, लेकिन प्रोपोर्शन देख लेते हैं क्या है। देखो अगर कोई यहाँ पर लिख देता है 1:2 और यहाँ पर लिख देता है 2:4, ये एक टाइप का रेशियो इधर, एक टाइप का रेशियो इधर, अगर मैं इसको कटाता हूँ 1:2, यानी 1:2 ये हुआ, 1:2, यानी ये तो बराबर हो गया ना। तो हम कह सकते हैं दो रेशियो आपस में बराबर होंगे, ऐसे दोनों बराबर हैं, तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, रेशियो का मतलब 1/2, 2/4 लिख सकते हैं कि नहीं,
लिख सकते हैं ना। अब देखो ऐसे ही मैंने लिख दिया, ए रेशियो बी था, यहाँ पर बी ए सी रेशियो डी था, तो ए बाई बी बोल सकते हैं इज इक्वल टू सी बाई डी। प्रोपोर्शन में, प्रोपोर्शन का मतलब ये है कि इधर का रेशियो इसके बराबर हो जाए, ठीक है, इधर का रेशियो इसके बराबर हो जाए। रेशियो का मैं ऐसे स्प्लिट कर ही सकते हैं, मैं पहले ही बता दिया था। अगर कोई मान लो 1/2 लिख दिया तो रेशियो में कैसे लिखो, 1:2, यानी पहले वाला जो चीज़ है एक पार्ट है और जो दूसरे वाला है वो दो पार्ट है, तो कौन सबसे अधिक है, दूसरे वाला अधिक है ना एनसीजू में, समझ गए ना। टोटल वैल्यू कितना हो जाएगा, तो इसको जोड़ दो, 1 2 कितना हुआ 3, इसको भी जोड़ो 1 2 3, यानी 3 में से पहला पार्ट 1 और दूसरा पार्ट 2। यहाँ पर भी देखो 3 में से पहला पार्ट 1 दूसरा पार्ट 2। ऐसे बच्चों को पढ़ाया जाता है कि अगर एक सर्कल है, रोटी है, 3 इक्वल पार्ट में बांट दिया गया ऐसे, देखो कैसा, 3 इक्वल 1 2 3 पार्ट में, ठीक है, 1 2 3। तो 3 में से एक तुम्हारा हो गया तो 1/2 बोलोगे, दूसरे का किसी का दूसरा हो गया तो दूसरा होगा, ठीक है। तो ये चीज़ें समझ गए, प्रोपोर्शन भी समझ गए, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये इधर चला जाएगा a इंटू डी इजकल टू b इंटू सी, ऐसे भी हम लिख सकते हैं। a और b क्या है, कोई नंबर 2 3 5 6, ठीक है। तो प्रोपोर्शन उसको बोलते हैं जहाँ पर दो रेशियो आपस में एक्चुअली इक्वल हो जाए। थोड़ा इसको चेक करिए, प्रोपोर्शन में है, देखो 6 1 6 अभी कट रहा है तो कटाते जाओ, कट रहा है तो 8 1 8 8 3 9, ये 1:2 है, 1:3 है, नॉट इन प्रोपोर्शंस, प्रोपोर्शन में नहीं है, दोनों रेशियो सेम नहीं है। तो ये कंसेप्ट प्रोपोर्शन का रहा, इसके पहले हमने रेशियो का कंसेप्ट पढ़ा। तो आज के लिए क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए अगर मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करो, अपने फ्रेंड के बीच में शेयर करो, थैंक यू।